सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स रैंडम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम फिजिकल वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। फिजिकल वर्ल्ड ये क्लास 11th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसलिए इस चैप्टर को बहुत सारे स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं या फिर ज़्यादा अच्छे से उसको पढ़ते नहीं हैं। बट ये अगर आपको अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस उससे रिलेटेड आते हैं, मतलब जो वन मार्कर क्वेश्चंस आते हैं, तो ये उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो आज इस वीडियो में मैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या होता है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन लगता है सुनने में, व्हाट इज फिजिक्स, बट जब इसका आंसर लिखने की टर्न आती है तो उस टाइम पे हम बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस आंसर को अच्छे से नहीं लिख पाते हैं। सो क्वेश्चन है, व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज अ नेचुरल साइंस दैट स्टडीज मैटर। मैटर का मतलब क्या होता है? जिसमें मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं वो चीज़ें मैटर हैं। इट्स मोशन एंड बिहेवियर थ्रू स्पेस एंड टाइम एंड द रिलेटेड एंटिटीज ऑफ एनर्जी एंड फोर्स। यहाँ पे फिजिक्स की मैंने दो डेफिनेशन दे रखी हैं। सेकेंड वन इज़, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन वेरियस नेचुरल फिनोमिना। इन शॉर्ट, फिजिक्स वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम लॉज ऑफ नेचर पढ़ते हैं, और इस चैप्टर की, फिजिकल वर्ल्ड की, मैंने डिटेल वीडियो भी डाली हुई है। जब आप वो पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये लॉज ऑफ नेचर में क्या चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द वर्ड फिजिक्स? जो फिजिक्स वर्ड है इसका ओरिजिन कहाँ से है या फिजिक्स वर्ड हमारे पास कहाँ से आया? इसका आंसर है, द वर्ड फिजिक्स ओरिजिनेट फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग नेचर। फिजिक्स वर्ड का मतलब है नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द टू बेसिक क्वेश्चन इन फिजिक्स? इसका आंसर है यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। ये जब चैप्टर मैंने समझाया था तो यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म की डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने दी है। इन प्रीवियस वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इस चैप्टर की ये क्वेश्चंस करने से पहले एक बार उस पूरे चैप्टर को अच्छे से करिएगा, उसके बाद अगर आप ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से और ईजिली समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द डोमेन ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द फिनोमिना इंटरमीडिएट बिटवीन मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक डोमेन्स। इसका आंसर है मेसोस्कोपिक फिजिक्स। अब इस क्वेश्चन में दो वर्ड्स हैं, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। ये फिजिक्स का एक टर्म है, ठीक है? मतलब कि जैसे हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मेडिवल, एशियंट, मॉडर्न, इस टाइप से जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स के बीच का जो टाइम होता है उसको कहते हैं मेसोस्कोपिक फिजिक्स। ये भी मैंने उसमें जो डिटेल चैप्टर की वीडियो डाली हुई है उसमें इस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन विच साइंटिफिक प्रिंसिपल कैलकुलेटर्स एंड कंप्यूटर्स आर बेस्ड? किस साइंटिफिक प्रिंसिपल पे कैलकुलेटर्स और कंप्यूटर बेस्ड होते हैं? सो इसका आंसर इज डिजिटल लॉजिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन विच साइंटिफिक प्रिंसिपल डज एन एरोप्लेन वर्क? एरोप्लेन की जो फंक्शनिंग होती है वो किस साइंटिफिक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? सो आंसर विल बी बर्नौलिस प्रिंसिपल इन फ्लूइड डायनामिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेट वन लॉ दैट होल्ड्स गुड्स इन ऑल नेचुरल प्रोसेस। ये इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जब यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म मैंने पढ़ाया था उसमें एक्सप्लेन किया था, कई बार क्या होता है बहुत सारे लॉज को हम नहीं पढ़ते हैं, एक ही सिंगल लॉ से बहुत सारी सिचुएशंस को डिफाइन करते हैं। इससे क्या होता है, हमारे पास मटेरियल कम हो जाता है और उसकी अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाती है। अब क्वेश्चन जो आपको दे रखा है इसका मतलब भी यही है। सो इसमें जो आंसर है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। According to this law, every body in the universe attracts every other body with the force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. ये Newton's law of gravitation है। Next question is, name the four fundamental forces in nature. Nature में जो four fundamental forces जो exist करते हैं उनके name लिखने हैं, और ये जो four fundamental forces हैं इन्हीं से जो forces आते हैं उनको हम derived forces कहते हैं। फर्स्ट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, थर्ड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड फोर्थ वन इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव द रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। जो हमें ऊपर ये फोर फंडामेंटल फोर्सेज गिवन है इनका जो स्ट्रेंथ ऑर्डर है वो किस तरीके से होगा?
नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट आर द कंजर्व क्वान्टिटीज इन नेचर, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ सच क्वान्टिटीज. कंजर्व क्वान्टिटीज क्या होती है? द फिजिकल क्वान्टिटीज दैट रिमेन्स अनचेंज इन अ प्रोसेस आर कॉल्ड कंजर्व क्वान्टिटीज. मीन्स कि जिन फिजिकल क्वान्टिटीज में चेंजेस नहीं आते उन्हें हम कंजर्व क्वान्टिटी कहते हैं, और फिजिकल क्वान्टिटीज वो क्वान्टिटी होती हैं जिनको मेजर किया जा सकता है. नाउ फॉर एग्जाम्पल इज एनर्जी, लीनियर मोमेंटम एक्सेट्रा, दीज आर कंजर्व क्वान्टिटीज. आज के लिए जस्ट 10 क्वेश्चन हैं. अब इस चैप्टर के जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो आएगी उसमें हम इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट और उनकी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरी और जो इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं और उनकी डिस्कवरीज हैं वो सिर्फ CBSE ही नहीं या फिर जो स्कूल लेवल पे एग्ज़ाम्स होते हैं सिर्फ उनके ही लिए नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी. इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.